पहुंचते हैं खबरों के तह तक, क्योंकि आप देख रहे हैं बिहार आज तक। अभी आज के रिपोर्ट में मैं आपको बड़ी रोचक बात बताने वाला हूं, और वो रोचक बात ये है कि आज मैं दो मुर्दों से आपकी मुलाकात करवाऊंगा जो सरकारी आंकड़ों के हिसाब से मर चुके हैं, लेकिन अभी वो दो मुर्दे यहाँ बोलेंगे। और सबसे पहले मैं पहले मुर्दे के पास आता हूँ। क्या नाम है आपका? राम हरि महतो जी, आप तो मर चुके हैं। मर चुके हैं, सरकारी आंकड़े में मर चुके हैं, लेकिन अभी आप देख सकते हैं ये जिंदा है। ये इनकी तस्वीर नहीं है, ये जिंदा है। आधार कार्ड दिखाइए अपना। ये है राम हरि महतो जी, इनके पिता का नाम है मोटर महतो, डंडी टोला फुलवरिया पंचायत के अंतर्गत आता है। मामला ये है कि ये दोनों भाई, आपका नाम क्या है? सरजुग महतो और राम हरि महतो, इनको सरकारी आंकड़ों में मृत घोषित करके इनके लिए जो बाढ़ के समय सरकार ने 6,000 रुपए देने का जो वादा किया था, और कुछ लोगों के खाते में गया भी था, लेकिन अब ये अनुसंधान का विषय है कि आखिर इन दोनों को किस आधार पर जीवित व्यक्ति को मृत घोषित कर दिया गया। आप समझ सकते हैं यह किस तरह का व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के शिकार ये दोनों लोग हैं। इनके अलावा भी और लोग हैं जिनकी अलग अलग समस्याएं हैं, हम उन तक भी पहुंचेंगे। आपके पास जांच करने के लिए कोई आया था? नहीं, कोई नहीं आया था। आज तो आए हैं। आज आज कौन आया था? आपने रुआ लगे क्या आई रुआ जांच करे के हुआ आई रुआ कोई नहीं किया अभी कोई नहीं किया है। आप देख सकते हैं इनके घर पे कोई नहीं आया, यहाँ पूछने कोई नहीं आया, और सीधे बाबुओं ने कागज पर लिख दिया कि यह लोग मर चुके हैं, लेकिन यह भी जिंदा है। इनका भी हाथ उठा के दिखवा रहा हूँ, दिख रहा है ना? ये है प्रशासन और यह है अधिकारियों की कार्यशैली। आइए पूरे मामले को हम यहाँ समझते हैं और जानते हैं कि ये भीड़ क्यों लगी हुई है। आइए आप लगातार आगे आ जाइए, थोड़ा आगे आ जाइए। क्या मामला क्या है बताइए। सरकारी नियमों के अनुसार 2017 में जिन लोगों की सूची में नाम था उन लोगों को बाढ़ राहत देना था। बिल्कुल ठीक है। उसके लिए सर सुगौली ब्लॉक के द्वारा टीम गठित किया गया जांच करने के लिए। जांच के क्रम में उन लोगों ने आया और कुछ लोगों को, जिंदा लोगों को मृत बताया, और कुछ को मतलब जो लोग गांव में रहते हैं उनको बाहर बताया गया। इस सूची के अनुसार लगभग 50 से 55 लोगों का नाम काट दिया गया है, ठीक है, जिन लोगों का खाता में अभी तक भी पैसा नहीं आया है। बस जिला लगभग कितने ऐसे लोग होंगे जिनके साथ इस तरह की चीज हुई है और उनको मिलना चाहिए नहीं मिल पाया है? लगभग इस सूची के अनुसार 50 से 55 आदमी का नाम कटा हुआ है। 50 से 55 आदमी का नाम कटा हुआ है। आप देख सकते हैं कि प्रशासन ने किस तरह से अपनी मनमानी की है और जिंदे लोगों को मृत घोषित कर दिया है। निश्चित रूप से यह समझने वाली बात होगी कि आखिर वो कौन सा आधार था जिसके आधार पर इस सूची का निर्माण किया गया, या पहले की सूची को आगे बढ़ाया गया, अग्रेसित किया गया, इसलिए कि दो जिंदा लोगों को मुर्दा साबित कर देना यह एक बहुत बड़ी भूल है। इनकी मानसिक प्रताड़ना की गई है, एक तरह से मैं कहूँ तो न्यायोचित होगा। इसके अलावा भी कुछ लोग हैं जिनका सूची में नाम नहीं है, महिलाएं यहाँ खड़ी हैं, आप देख सकते हैं। आप लोगों का पैसा नहीं आया है? कहाँ नहीं आया है? पूछे नहीं कभी? साहब लोग जाँच करने नहीं आया था? कोई साहब जाँच करने नहीं आया था? आप समझ सकते हैं ये भोली भाली जनता जो अपने हक के लिए यहाँ खड़ी है, और इनको हक कितनी जल्दी मिलता है और न्याय कितनी जल्दी मिलता है यह प्रशासन की चुस्ती पर निर्भर करता है। मैं अभिनव, बिहार आज तक लाइव।